हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बच्चों की पजामी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की पजामी, इसको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पर ही कुंडे बढ़ाए हैं। ठीक है, किस तरह से बढ़ाए हैं, लगातार मतलब यहाँ पर छः छः सिलाइयों बाद नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया है ये बताती हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैंने ये देखो, सबसे पहले क्या किया है, ये बॉर्डर बना लिया है। ठीक, ये है हमारा 26 सिलाइयों का बॉर्डर। ठीक है, 26 सिलाई इसमें लगी है और 8 नंबर पर मेरा बॉर्डर तैयार हुआ है। ठीक, अब हमने इसमें क्या किया है ये देखो, इस तरह से मैंने इसको बॉर्डर बना के निकाल लिया है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें मैंने एक दो सिलाई एक्स्ट्रा लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक सिलाई इस तरह से निकाल लेंगे और कैरिज हमारा इस साइड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें धागा चेंज करना है। जैसे देखो, इसमें हमने व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट रखा है, डिजाइन में रेड रखा है। ठीक है, तो व्हाइट धागे के लिए देखो, मैंने इस साइड इसको कैरिज को लेके आ गई हूँ, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पर मैंने कैरी सेट कर लिया है, यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसमें ये देखो, इस तरह से कुंडे बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो किस तरह से बढ़ाएंगे ये देखो, इस सिलाई हमने निकाल ली है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, मैंने इसमें यहाँ पर स्टार्ट में ही कुंडे बढ़ा लिए हैं, तो मैं ये बताती हूँ मैंने इसमें पहले कितने कुंडे लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 60 कुंडे लगाए हैं, 30 से यहाँ से, 30 से और 30 तक। ठीक, यानी कि 60 कुंडे लगाए हैं। ठीक है, 60 कुंडे लगाने के बाद मैंने इसमें कितने कुंडे बढ़ाए हैं ये देखो, 43 से और 43 तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतने कुंडे बढ़ाए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे कुंडे बढ़ाएंगे ये देखो, यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, जैसे यहाँ से नज़दीक से दिखाती हूँ थोड़ा, ये वाला कुंडा नीचे से उठाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जब ये धागा निकलेगा ऊपर को, तो ये कुंडा हमारा ऑटोमेटिकली ये देखो निकल जाएगा। ठीक, तो उसमें हम इस तरह से कुंडे लगाएंगे, ये देखो इस तरह से। ठीक है, नीचे से उठाना होता है। ठीक है, ताकि हमारा ये ऊपर की सिलाई हमने निकालनी है ना, ये देखो इस तरह से, और बीच बीच में हम नीडल खाली छोड़ेंगे, जो हमने कुंडे बढ़ाने हैं उसके लिए हम नीडल खाली छोड़ेंगे इस तरह से। देखो, ये हमारी नीडल खाली है, यानी कि पीछे है। इसको कैसे बढ़ाएंगे ये मैं आपको दूंगी, पहले कुंडे चढ़ा लेती हूँ। देखो, इस तरह से नीचे से उठाना होता है, ये देखो यहाँ से, इस तरह से। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो हमारे जिसे हमने नीचे से उठाया ना कुंडा, तो ये इजी से निकल जाता है धागा, ये देखो इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मैं ये चढ़ा लेती हूँ, फिर आपके बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने इस तरह से कुंडे चढ़ा लिए, अब हम ये धागा निकालेंगे इस तरह से इजी से, ये देखो बहुत इजी निकल जाता है। ठीक है, अब कुंडे कैसे बढ़ाएंगे ये बताती हूँ। देखो, इसके साथ का ये जो कुंडा होता है ना यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने यहाँ डालना होता है। ठीक, इसके साथ का ये वाले, इस तरह से। ठीक, इस तरह से हम ये कुंडे बढ़ाएंगे, देखो इस तरह से ये कुंडे बढ़ते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी जाली नहीं आती। ये देखो, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल भी जाली नहीं है, ये देखो बिल्कुल भी नहीं, ये देखो बिल्कुल भी जाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुंडे बढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं बढ़ा लेती हूँ कुंडे, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखो, हमने कुंडे बढ़ा लिए, यानी कि नीडल में जो हमारी खाली छोड़ी थी हमने उसमें कुंडा डाल दिया है। ठीक है, इस तरह से आगे कर लेंगे। अब हम इसमें वेट लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये फोल्ड बॉर्डर बनाया, तो हम इसमें रॉड भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम वेट लगाएंगे बराबर बैलेंस के साथ। देखो इस तरह से, ठीक है, हमारे वेट भी लग गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने व्हाइट धागा लगाना है इसमें, तो व्हाइट धागा लगा लेते हैं, ये देखो इस तरह से। ठीक है, एक सिलाई होगी हमारी। अब जैसे हमने डिजाइन डालना है, तो हम कार्ड को सेट कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब देखो, हमने इसको मतलब हमने कुंडे जो बढ़ाने थे, हमने जैसे 6 सिलाई बाद एक एक कुंडा बढ़ाना था, तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे इसको बनाना है 50 सिलाइयों तक। ठीक, 50 सिलाई हम
प्लेन लगा लेते हैं, मतलब बिल्कुल भी कुंडा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है 50 तक। ठीक, तो 50 तक हम इसको बना लेते हैं डिजाइन के साथ। ठीक, ये हमारी 4 सिलाई होगी, साथ साथ में काउंटिंग भी करो। तो इसको बना लेते हैं, ये हमारी 50 सिलाई होगी। ठीक है, अब 50 सिलाइयों में हमने क्या करना है, ठीक है, तो 50 सिलाई के बाद हमने यहाँ पर मतलब थोड़े कुंडे बढ़ाने हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, तो हमने इसमें सिर्फ 5-5 कुंडे बढ़ाने हैं इस तरह से। ये देखो, ये दो नीडल लास्ट की हमने इस तरह से लेनी है और इसको इस धागे को इस तरह से उसके सेकेंड वाला कुंडा बुनाई करना है। ठीक, इस तरह से, ये देखो इस तरह से दो हो गए, ये हो गए हमारे 3 और ये हो गए 4 और ये 5। ठीक, इस तरह से हमारी ये बुनाई होगी। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ वेट लगा सकते हो, ठीक है, इस साइड पर कैरीज देखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी हम इसी तरह से कुंडे बढ़ाएंगे, ये देखो इस तरह से, ये हमारे 5 कुंडे हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेट भी लगा सकते हैं, ये वाला वेट यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम इसी वेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू बनाएंगे। ये हमारी 52 52 सिलाई हो चुकी है। मैंने 63 तक डिजाइन बनाना है, तो मैं ये रेड धागा निकाल लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि अब हमारा वाइट ही बनेगा, तो इसको वाइट बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। ठीक है, तो 64 सिलाई होगी और मैंने 100 तक इसको प्लेन बनाना है। ठीक है, हमारी 100 सिलाई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो दो कुंडे के बाद हमने एक कुंडा यानी कि एक नीडल का कुंडा इस तरह से ट्रांसफर करना है अगली नीडल में। ठीक, यानी कि एक नीडल हमारी खाली हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, देखो इस तरह से। ठीक है, ट्रांसफर कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया, यानी कि दो नीडल हमारी आगे हैं और एक खाली पीछे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नंबर भी कम कर लेंगे, क्योंकि 10 नंबर पे मैंने बनाया है, अब इसको 9 नंबर कर लेंगे। ठीक है, 9 नंबर पे मैं इसमें 25 सिलाई लगाऊंगी, यानी 125 लास्ट। ठीक, एक हमारी 25 सिलाई होगी, यानी कि टोटल मेरी सिलाई इसमें 125 लगी है। ठीक है, अब 125 सिलाई के बाद मैं क्या करूंगी, इसको बंद कर लूंगी। ठीक है, इस तरह से इसको बंद कर लेंगे इसी तरीके से, थोड़ा लूज लूज। ठीक है, क्योंकि एक एक कुंडे का गैप है, तो अब इसको हम टाइट बंद करेंगे, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना नेफे के लिए, तो फिर तो ये ठीक तरह से नहीं बैठता है। ठीक, इस तरह से बंद कर लेती हूँ, देखो इस तरह से हमारी ये पजामी बन के आएगी, ये देखो। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेफी के लिए फोल्ड होगा, इस तरह से हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। ठीक, तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरह से, ये देखो हमारी पजामी। ठीक,
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।